सो गाइस आज काफी दिनों बाद आज के इस बार वीडियो के अंदर पर लोग बात करने वाले हैं उज्जवल भाई के यूट्यूब अर्निंग्स के बारे में। सारी सवार जो उज्जवल भाई ने खुद ने यार अपनी जो अर्निंग्स है वो रिवील करी है। लिटरली भाई क्रिएटर स्टूडियो में जाकर भाई पर्चे वगैरह हटाओ डूकर भाई अच्छे से अपनी अर्निंग जो है वो दिखाई है। यार दिक्कत ये है कि भाई यार उन्होंने सिर्फ अपने न्यू चैनल जो टेक्नो उन्होंने चैनल बनाया बस उसकी अर्निंग दिखाई है। अपने जो पुराना जो मेन चैनल है उनका टेक्नो गेमर्स और उज्जवल उनकी अर्निंग जो है वो नहीं दिखाई है। ऐसे मैंने पहले भी काफी बार आपको जो अर्निंग रिवील कर रखी है उज्जवल भाई के मतलब मेन चैनल टेक्नो गेमर्स और उज्जवल की भाई दोनों के मिला के स्पॉन्सर मिला मिलूकर भाई 2-2.5 करोड़ इजीली बन जाता है भाई महीने का। भाई पहले बता रहे हो महीने का बन जाता है पर ये जो टेक्नो चैनल है इसकी जो अर्निंग है वो आपने सोचो कि भाई इतने सारे व्यूज आ गए भाई दोनों वीडियो जब वो तो हर बार ट्रेंडिंग में जा रही है और उज्जवल भाई के 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट हो गए इस वाले चैनल पर। तो इस पर भी यार लाखों का जो रेवेन्यू है वो तो जनरेट हो ही गया होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ पहले आप देखो फिर मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ 500 सब्सक्राइबर्स और अपना न्यू चैनल भी पहुंच जाएगा 1 मिलियन। लेट्स गो कर दो जाके। क्या हुआ इसको नोटिस कर रहे थे क्या? ये मैंने थोड़ा अनबॉक्सिंग के लिए रखा है। अपने फोन की अनबॉक्सिंग देखी होगी। आज हम करने वाले हैं रेवेन्यू अनबॉक्सिंग। 150 रुपया देगा सर मुझे बताओ मैं से काफी लोग सोच में पड़ गए भाई इतना रकम रेवेन्यू कैसे है मतलब 28 दिनों का सिर्फ 150 रुपया मतलब करीब करीब भाई 14-15 मिलियन व्यूज है भाई दोनों वीडियो ट्रेंडिंग में गई है भाई 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो रखे चैनल के भाई 150 रुपए का मतलब ही नहीं बन रहा। तो देखा रुजुल भाई का जो चैनल है अभी उन्होंने क्रिएट करा तो भाई पहले जो उन्होंने वीडियो डाली थी उससे भाई उनको सिर्फ वॉच टाइम मिला और भाई सब्सक्राइबर्स मिले जिससे भाई उन्होंने जो अपना मोनेटाइज अनेबल करा है मतलब कि पहले जितने व्यूज आने थे वो तो आ गए। इसके बाद भाई लगभग 1 महीने के अंदर शायद से उनका जो मोनेटाइजेशन है वो अनेबल हुआ क्योंकि भाई चेक में थोड़ा वो टाइम लग जाता है कभी कभी। तो जब तक कोई मोनेटाइजेशन स्टार्ट नहीं होता उससे पहले भाई कितने भी व्यूज आ जाए भाई कोई भी मतलब रहता ही नहीं। अब जो गाइस मेन इनकी अर्निंग स्टार्ट होगी वो गाइस अभी सेकंड वीडियो से स्टार्ट होगी मतलब भाई इस वीडियो पे व्यूज अच्छे आएंगे और भाई इससे अर्निंग भी अच्छी होगी। तो भाई आप सोचोगे भाई 2-3 दिन तो हो गए थे तो भाई यहाँ पर उसके वो जो मतलब सेकंड वीडियो का जो रेवेन्यू है वो यहाँ पर एड होकर क्यों नहीं दिखाया। तो देखो यार यूट्यूब जो है कभी कभी 2-3 दिन का डिले दे देता है मतलब 2-3 दिन जो रेवेन्यू वो डिले रहता है उसके बाद जो है एकदम से एड कर देता है फिर गाइस आगे 2-3 दिन डिले रहता है फिर एड होता है ऐसे चलता रहता है यार यूट्यूब। तो जो रेवेन्यू यहाँ पर शायद 3 दिन डिले चल रहा है उज्जवल भाई का। इसके बाद गए 4th दिन मतलब कि भाई जो अगले दिन जो उनका रेवेन्यू वहां पर आ गया होगा अच्छे से भाई कम से कम $2,000-3,000 तो आई होंगे। पर पहली वीडियो का रेवेन्यू गाइस उनका सिर्फ 150 रुपए ये जो की है और अब आगे जो वीडियोस आएंगे भाई उस पर अच्छे व्यूज आएंगे और भाई अच्छा रेवेन्यू भी बनने वाला है। तो भाई ये मोनेटाइजेशन का थोड़ा सा पंगा रहता है इसलिए भाई कोई दिक्कत नहीं। मैं तो कह रहा था भाई पहले उज्जवल भाई इंट्रो वीडियो डाल देता ना इस चैनल के ऊपर जिसके ऊपर भाई आराम से भाई वॉच टाइम और भाई सब्सक्राइबर सारा कुछ हो जाता उससे भाई मोनेटाइज कर लेते फिर उसके बाद वीडियो डालना स्टार्ट कर देते ना तो अच्छा। फिर यार उनको पहली वीडियो का जो उन्होंने डाली थी उसका भी थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल जाता।